वीजे वीजे ये पांच मंत्र मेरा याद रख के रहिएगा। साल्ट करने आस्क वीजे ये मतलब अनुशासन। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहला काम है अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं है तो कार्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा है यश मतलब समर्पण, कार्य के प्रति समर्पण। दिन रात करके उसमें लग जाइए। अगर आपको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कुछ चीजें, मैं जरूर पढ़ाई संबंधित बोलना चाहूंगा प्रधानाचार्य जी की अनुमति से, क्योंकि आप ट्वेल्थ वाले जा रहे हैं तो कुछ चीजें मैं अपना अनुभव देता हूँ। पहला अनुशासन, दूसरा समर्पण और तीसरा कर्म। के भर कर्म, आपका कर्म अगर अच्छा है हो सकता है नंबर दो चार नंबर इधर उधर हो जाए, लेकिन आप अंत में सफल होंगे। फिर चौथा है विजय और विश्वास। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे। आज हमारा एक स्टूडेंट अजीत एक प्रकार से पूरी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, हर टाइप की चीजें। आज आपके ही विद्यालय का एक स्टूडेंट मेरा पीसीएम में चार पांच बार सफल हुआ, प्रभात मिश्र। ये निजी आपने जो नींव रख दी है विद्यालय बच्चों के, एक दो नहीं बहुत ऐसे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं अनुशासन, समर्पण, कर्म, विश्वास और लास्ट में जीत। लास्ट में आपको जीत मिलनी है, ये जान लीजिए। अनुशासन, समर्पण, कर्म, विश्वास करोगे। और मैं आज घोषित करता हूं अगर कोई भी बच्चा प्रदेश स्तर पर विद्यालय की मेरिट, विद्यालय का बच्चा मेरिट में आता है, मैंने अपने विद्यालय में कहा है ये भी मेरा विद्यालय है, मेरी तरफ से 11,000 रुपए उसको पुरस्कृत किए जाएंगे। और अगर जिले स्तर पे आता है तो 5100 रुपए मैं दूंगा। आपके दिमाग में रखना चाहिए कि मैं अपने विद्यालय में भी घोषित कर चुका हूँ, आपको भी, क्योंकि ये भी मेरा अपना ही विद्यालय है। अगर आप प्रदेश की मेरिट में हाई स्कूल या इंटर में आते हैं तो मेरी तरफ से 11,000 रुपए, अगर आप जिले की मेरिट में आते हैं तो 5100 रुपए मेरी तरफ से आपको पुरस्कृत किया जाएगा। 11,000 प्रधानाचार्य जी की भी तरफ से, समझ लीजिए हो गया 22,000। और सुनिए और कुछ बता दूं, क्योंकि क्या क्या मिलने वाला है प्रदेश की मेरिट में आने पर, क्योंकि कुछ लाभ भी तो मिले ना आ जाए हो।